दोस्तों दीपावली का दिन है और हम पहुंच चुके हैं मैदागिन। देख सकते हैं दोनों तरफ दुकानें, सेम टू सेम दुकानें सभी तरफ हैं, दोनों तरफ मतलब, और देखने में बहुत ही आकर्षक लग रही हैं। इसलिए हमने यहाँ का वीडियो शूट किया और यहाँ मैदागिन से हम आगे बढ़ते हैं मार्केट में। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है काशी विश्वनाथ मंदिर, तो देख सकते हैं इस समय हम लोग मार्केट में हैं। 8 बजने वाला है लगभग या बज चुका होगा, तो भीड़ बहुत है मार्केट में। ये तो थोड़ा खाली एरिया में हम इसलिए वीडियो रास्ते का शूट कर रहे हैं, नहीं तो पीछे बहुत भीड़ थी। तो देख सकते हैं और सैनिक भाई लोग अपनी ड्यूटी ख़त्म हुई 8 बजे और घर की तरफ अपने रूम की तरफ लौट रहे हैं। देख सकते हैं फौजी भाई लोग और बहुत ही मतलब बनारस एक गलियाँ हैं, अगर इसमें आप आएंगे ना तेहरा आ जाएंगे और यहीं के होके रह जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सी घाट मिलती है, पता नहीं कौन सा घाट है हमें नहीं मालूम। यहाँ पर कोई लगता है कोई सरकारी कर्मचारी या बड़े नेता लोग आए हैं जिनकी वजह से यहाँ पे बैरियर लगा है और फोर्स भी यहाँ पे है। और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है मार्केट में। और ये देख सकते हैं काशी विश्वनाथ टेंपल ट्रस्ट हेल्प सेंटर, ये काशी विश्वनाथ का हेल्प डेस्क सेंटर है यहाँ पे। और बाकी देख सकते हैं दोनों तरफ जो लाइटें लगी है नाइट रोड किनारे, कितना अच्छा लग रहा है। इस पे तिरंगे का कलर में भाई तिरंगे का शान ही अलग है, जहाँ पे लग जाए वहाँ पे। और ये देख सकते हैं बोर्ड पे यहाँ पे लिखा गया है काशी विश्वनाथ मंदिर 400 मीटर यहाँ से दूर और है। और यहाँ पर बहुत से घाट हैं जैसे कि मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिचंद घाट, सब पास पास ही हैं। हर घाट का एक कहानी है और हम इस समय पहुँच चुके हैं अपने 80 घाट पे। और देख सकते हैं यहाँ पार्किंग के पीछे जो गाड़ी वाड़ी खड़ी थी हम लोग पार्किंग में नहीं बल्कि बाहर खड़ा करेंगे, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और हम अंदर एंट्री कर चुके हैं गेट से 80 घाट के। और यहाँ का दिखाएंगे दीपावली के दिन कैसा लगता है 80 घाट, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो भोर में ही आना बेटर रहता है, पर हम लोग रात को आए हैं 8 बजे दीपावली के दिन। तो दीपावली के दिन तो कुछ यहाँ पे आकर्षक लगना ही चाहिए। तो देखते हैं हम आगे चल के, उतना लाइटिंग वेटिंग तो यहाँ पे हुआ नहीं है। और देखिए यहाँ पर अक्सर लोग बैठ के जो ये है ना अंदर यहाँ पे लोग फोटो खिंचाते हैं। बाकी देख सकते हैं जो बोट है जिनका भी बोट है अपना बोट को सजाए हैं दीपों से। 4-5 नाव ऐसी थी जो सजी हुई थी, बाकी तो कोई नाव ऐसे सजी उजी नहीं थी। और नदी के किनारे यहाँ पर लोग टाइम पास या घूमने के लिए आते हैं, कोई दीप का भी यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था देख रहे थे। बाकी यहाँ सुकून था, ठीक बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लुक वुक देख रहे उड़ा रहे हैं लोग, उतना खास दीप उस समय यहाँ भी नहीं था। और ये भाई साहब देखिए इनका उड़ता है कि नहीं, अब गैस भर जाएगा तो उड़ेगा। ये लुक उड़ा रहे हैं अपना बगल में देख रहे हैं एक उड़ रहा है लुक, और इनका भाई साहब का उड़ता है कि नहीं देखें। सूट सोचा कर ले अच्छा लगेगा, इसका बैलेंस बराबर नहीं है, नहीं उड़ेगा लग रहा है। इसमें गैस अभी नहीं बना है, नहीं देखिए क्या होता है, छोड़िए अच्छा चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो देख सकते हैं ये भाई साहब ने अपना बोट इस पे ये घुमा रहे हैं। यही एक समय दो बोट जो नाव है इस समय देख रहे हैं चल रही है, सजाए हैं जो लोग और लाइटिंग किए हैं और सब लोग अपना घूम फिर का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं कि है एक वो था। तो हम नाव का सफ़र बचपन में बहुत किए, इसलिए हमें नाव के पे पैसा बर्बाद करने का मन नहीं बिल्कुल है, तो इसलिए नाव पे तो हम नहीं घूमेंगे, बाकी और घूमेंगे। और इतना अच्छा खासा मोबाइल का कैमरा भी नहीं कि जिससे एकदम क्वालिटी में नाइट में शूट हो, तो इस प्रकार जैसे भी शूट किए हम बढ़िया से किए हैं। और अभी वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, आगे चल के दिखाते हैं आप लोग को। अभी तो एक गंगा मैया के किनारे अभी वीडियो बना रहे थे, यहीं पे आरती वरती देखते हैं होता है। तो देख सकते हैं वीडियो, इसमें पानी भी यहाँ थोड़ा कम हो गया है, सब गीला है बालू वालू यहाँ पे नदी किनारे। ये छोटा सा मंदिर गंज जो पेड़ है, आप फिल्मों में अक्सर इन पेड़ को देखते होंगे, ये अक्सर दिखाया जाता है, शायद पीपल का पेड़ है तो अक्सर फिल्मों में देखने को मिल जाता है इस पेड़ को। और देख सकते हैं आप लोग ये जो सीढ़ियाँ दिखाई जाती है फिल्मों में नीचे से ऊपर तक, वही मंदिर है।
तो हम लोग भी उस मंदिर पे चलेंगे और वहाँ पर चलने देखिए पूरा लड़कियाँ सब सीढ़ियाँ पर भरी है, तो कहाँ से हम लोग चढ़ेंगे। तो ये सब लड़के इस सीढ़ी पर बैठे, लड़कियाँ उस मंदिर की सीढ़ी बैठी है। अच्छा, और ये देखिए सीढ़ी पे हम लोग ऊपर जा चुके हैं, अब नीचे का नज़ारा ले रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो और मंदिर के किनारे देख सकते हैं जो भिक्षा लोग मांगते हैं बैठे हुए हैं, बच्चे भी उसमें हैं भिक्षा मांग रहे हैं। तो बनारस में ये देख सकते हो कि एक गंगा महल घाट है जो कि जस्ट 80 घाट के बगल में सटा हुआ घाट है। यहाँ पर बहुत से घाट हैं, बहुत से घाट हैं यहाँ पे लगा हुआ, इसके गंगा महल घाट के बगल में और भी घाट है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे घाट हैं। और यहाँ पे शूटिंग वूटिंग अक्सर हुआ करती है, 80 घाट पे अक्सर हुआ करता है। तो ये सब अपने आप में एक इतिहास है, हर एक घाट का अपना कहानी एक है। और देख सकते हैं कितना अच्छा सब लग रहा है यहाँ पे, यहाँ सुकून तो है ही। उसके बाद कभी मौका मिलेगा तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, शाम की आरती भी देखेंगे। और ये देख सकते हैं सब आरती का जो आरती के लिए बर्तन होता है सब यहाँ पे धुला जा रहा है। और हम लोग अब लौट रहे हैं घर की तरफ, तो देख सकते हैं मार्केट में हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग घर की तरफ अब निकलेंगे, क्योंकि अब लगभग 9 बजने वाला है। लगभग 45 मिनट हम लोग घूम ही लिए, बहुत है। अभी देख सकते हैं इधर तो बहुत सजा धजा सब दिख रहा है मार्केट। बाकी हम लोग आ रहे थे गोलगड्डा वड्डा और साइड से भटकते हुए, रास्ता मालूम नहीं था, आ रहे थे उधर एकदम सजावट ही नहीं थी, मतलब जैसे लग रहा था कि दीपावली है ही नहीं। और इधर देख रहे हैं कितना अच्छा सजावट है, सिगरा उगरा साइड है, हम लोग सिगरा अब जा रहे हैं, सिगरा से फिर कैंट जाएंगे। तो इधर देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा सजाया गया है। तो कभी सोच रहे हैं हम लोग अगर मौका मिलेगा तो जो एक बूढ़ो पूर्णिमा को भी हम लोग यहाँ पे आएंगे, और एक क्या होता है देव दीपावली, देव दीपावली के दिन भी हम लोग सोच रहे हैं अब इस बार आए तो 80 घाट के साथ साथ और भी घाट घूमें, हरिचंद घाट, दशामेध घाट, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग उस दिन शायद सुने होता है, इसलिए हम लोग उस समय का विचार बना रहे हैं। अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे, उस समय का वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा। बाकी बनारस में इस समय हम हैं तो बनारस के ज़रूर कहीं ना कहीं हम जाते रहते हैं, कभी मौका मिलता है तो वहाँ का वीडियो हम लोग अपलोड करते ही हैं, शूट कर लेते हैं, हम मौका नहीं छोड़ते। अब जाएंगे हम लोग, एक कुबेर कॉम्प्लेक्स दिखे आप लोग जो वीडियो में, यहाँ पे सस्ती मोबाइल मिल जाती है जो कि हमने दिखाया है। और अब चलेंगे हम लोग पेट्रोल टंकी पर, वहाँ पे चल के तेल वेल भी अपने बाइक में भराएंगे। हाँ, उधर जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना तेल भराते वक्त, तो उस समय बड़ा कायदे से सब तेलवा भरते हैं बहू। तो चलेंगे वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा कट करके डाल देंगे पेट्रोल टंकी का। तो देख सकते हैं मार्केट इधर बहुत अच्छा ही सजा हुआ है, बहुत अच्छा लाइटिंग की गई इधर, वास्तव में उस दिन घूमने लायक खूब था। काली अखियों के फंदे न डालो, काली काली अखियों के फंदे न डालो, हमें जिताने मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे तेल भरा रहे हैं बाइक में पेट्रोल, और यहाँ से हम लोग अब निकलेंगे कैंट पे, कैंट पे जाएंगे तो वहाँ का भी वीडियो हम लोग शूट करेंगे। तो देखते हैं दीपावली दिन कैंट कैसा लगता है, तो वहाँ पे कोई लाइटिंग रहती है कि वैसे, मतलब लाइटिंग तो हमेशा रहती है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं देखिए कैंट के नज़दीक, इस यहाँ पे तो हमेशा ही लाइटिंग ऐसे रहती है जैसे आज आप देख रहे हैं ना, वैसे हमेशा यहाँ पे लाइटिंग रहती है। ये सब लाइटिंग की वजह से कैमरे पे फोकस नहीं पा रहा, इससे क्लियर फोटो नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम नीचे से ले रहे हैं ना, पुल से लेते तो बहुत अच्छा लोकेशन आता। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइटिंग बहुत ही अच्छी की गई है यहाँ पे। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तक बटपुर तुझे,
तो देख सकते हैं आप लोग, रात का समय है, शायद 9:20 हो रहा है। हाँ, देख पा रहे हैं घड़ी में, यहाँ पे घड़ी भी चल रही है। 9:20 हो रहा है और अब हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट घर। कहीं थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करेंगे क्योंकि अब हम लोग चुके हैं थक। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको शेयर करेंगे तो और ही बेटर है, क्योंकि हमारे चैनल पे व्यू आएगा, जितना व्यू आएगा उतना हमें वीडियो और भी बनाने का मन करेगा। तो देख लिए भाई, ये अपना है काशी की धरती। तो ये देख सकते हैं जो कि एक बनाया गया है ट्रेन का आकृति, सीमेंट का है शायद, जो भी है जिसका भी है, पर अच्छा बना है। इसका भी वीडियो हम लोग ले लिए, लोग यहाँ पे आके आगे खड़ा के फोटो खिंचवाते हैं अपना फोटो। तो वीडियो का ये लास्ट है हम लोग का, अब चलेंगे घर क्योंकि रात भी हो चुकी है काफी। तो अब अगला हमारा वीडियो रहेगा सारंगनाथ मंदिर का, जो कि सारनाथ में है, जो कि शंकर जीजा साला का बोला जाता है मंदिर भी। तो चलते हैं।